आपके पास कोई और जैकेट है कि इससे काम तो नहीं चलेगा? और भी हैं जैकेट, लेकिन बहुत सर्दी है, कोट पहनना चाहिए। बिस्मिल्लाह। हमारा सफर रवा दवा है। गुलाम हैदर साहब, गुलाम नबी साहब, वो भी साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन मनाजिर, ये खूबसूरत मनाजिर गिलगित बल्तिस्तान, सुबह गिलगित बल्तिस्तान, माशाल्लाह देवसई झील, इंटरनेशनल पार्क, दुनिया का इंटरनेशनल पार्क दिखाने जा रहा हूँ आप सबको, दिखाने जा रहा हूँ दुनिया का इंटरनेशनल झील, इंटरनेशनल पार्क। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, क्यों नहीं आएंगे? जगह ऐसी है, अगर मैं दिखा सकूँ, कैमरा अगर दिखा सकता है तो बिल्कुल दिल बना हुआ है, बिल्कुल दिल बना हुआ है। ये खूबसूरत मनाजिर, ये देवसाई इंटरनेशनल पार्क की, देवसाई नेशनल पार्क की है। इस वक्त हद दर्जे की हवा चल रही है, सर्दी में महसूस कर रहा हूँ। बहुत बड़ी झील है, छोटी झील नहीं है। ये खूबसूरत मनाजिर एक दफ़ा फिर मैं बताने जा रहा हूँ, देवसाई नेशनल पार्क, देवसाई नेशनल पार्क दुनिया का बेहतरीन खूबसूरत तरीन पार्कों में इनका शुमार। यही वजह है कि एक दफ़ा मैं आया था, अभी मुसलसल मुझे आना पड़ता है। आना इसलिए पड़ता है कि जगह ही ऐसी है, जो एक मरतबा आ जाए उसे फिर दावत नहीं देना चाहिए, वो फिर खुद ही आता है। आज 14 अगस्त 2020 बेहतरीन मनाजिर नेशनल पार्क है। ये खूबसूरत मनाजिर देवसाई नेशनल पार्क के है। माशाल्लाह नेशनल पार्क देवसाई खूबसूरत मनाजिर, बेहतरीन मनाजिर, दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं, क्यों नहीं आएंगे यहाँ लोग? ये पाकिस्तान का वाहिद वो पार्क है, वो वाहिद झील है जो कैमरा भी नहीं दिखा सकता है। खूबसूरत मनाजिर है। मैं इस वक्त वीकू के छत पर मौजूद हूँ। बेहतरीन सर्दी मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आप महसूस कर रहे होंगे, कांप रहा हूँ मैं। 14 अगस्त 2020 को देख ले, जहाँ लोगों से पसीने छूट रहे हैं, यह मैं महसूस कर रहा हूँ कि इंतहाई शदीद सर्दी। और बाहर के कोट जैकेट गाड़ी के अंदर है, लेकिन बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे गर्मी की तरफ जाना पड़ेगा। कम से कम यहाँ पे दो तीन दिन गुजारना ज़रूरी समझता हूँ, वो गुजारेंगे हम। बेहतरीन व्यू, खूबसूरत मनाजिर नेशनल पार्क देवसाई की, अगर कैमरा दिखा सकता है तो आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत खूबसूरत मनाजिर। हमारे साथ रहिएगा, हम यहाँ पे दो दिन रहेंगे, दो तीन दिन कम से कम, कंसल्टेशन के बाद ही पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शौकत अली शाह, देवसई नेशनल पार्क मौजूद हूँ मैं। ताहिर भाई लाहौर से तशरीफ लाए हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, ताहिर भाई आप फर्स्ट टाइम आए हैं कि इससे पहले आप आ चुके हैं? देखिए मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ,
एयर्स कर मैंने ये मुझे 4 डे एयर्स कर दुबई में आया था, वहाँ से अभी आज फर्स्ट जो मैं यहाँ पे आया हूँ देवसाई में, और बिलीव मी के दिस माइट बी दी मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन ऑन अर्थ, और बहुत खूबसूरती है यहाँ पे। और एक खूबसूरती से हट के जो हमारी जो काफ़ी चीज जगह विजिट की हैं, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती वाली बात जो है यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोग जो हैं कि वो बहुत खूबसूरत और बहुत मेहमान नवाज और दिल के बहुत अच्छे, किसी किस्म का क्राइम या किसी किस्म की वायलेंस या कोई इस तरह की चीज़ जो है कि यहाँ पे नहीं देखी, और बहुत वेलकमिंग है। अब पीछे जाए, पीछे जी सारे जी, मैं लोगों को ज़रूर जो है कि वो रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरे ख्याल में कुछ स्विट्ज़रलैंड या दूसरी कंट्रीज़ में भी हम लोग जाते हैं, लेकिन और मैंने भी काफ़ी अब्रॉड गया हूँ, लेकिन इससे खूबसूरत जगह आपको मिलने देखने को नहीं मिलेगी। कम एक्सपेंसेस पे इतने अखराजात, जाहिर है स्विट्ज़रलैंड बंदा चला जाता है तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा। ये और यहाँ पे अभी जो है कि ट्रांसपोर्ट और अभी कैंपिंग और होटलिंग भी काफ़ी सस्ती है, और आपको इंशाल्लाह जो है कि कोई ऐसा जो प्राइसेस का इशू या वो इस तरह का सामने नहीं आए। दिस इज़ अ वेरी पीसफुल एरिया और यहाँ पे बहुत फ्रीडम है और ऐसा हम लोग ओपनली फ्रीली घूम रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सीनिक ब्यूटी है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, वेदर बहुत अच्छा है, तो आई डोंट थिंक कि कोई फैमिली नहीं अपनी फीमेल्स को लेकर आना चाहेगी। हर किसी को पाकिस्तान में बहुत कम जगह है जहाँ पे हम मूव अराउंड कर सकते हैं, सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन पाकिस्तान। आपके पास कोई और जैकेट है कि इससे काम तो नहीं चलेगा? और भी हैं जैकेट, लेकिन बहुत सर्दी है, कोट पहनना चाहिए। डिसेंट टूरिज्म टीवी, दब लाइक कहो सब्सक्राइब कहो भी और शेयर कहो भी, वो चेता था सीजे देखा टुकड़ टुकड़ दखे जमा और तस दून हमने कहो नो बस बै पुकार को बंदोल पकार दी नदी हो जाने तवे माँ दरख्वास और तकूमा चिन्ह मड़ शेर है कही जमा दा यूट्यूब चैनल ने दमख के दक से बोझे समझे समा पेश था सुबह बोले दग तम दन लरम दग हिल लरम दग तो खुद न लरम देर शुक्रिया यो जहान मनना। ये डीसी चैनल जो कितना अच्छी तरीके से इसको कवर कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक सेकंड का जरूरी दोबारा से एक सेकंड का पिक्चर है ना वीडियो जी, मैं कहना चाहती हूँ कि ये डीसेंट टीवी चैनल जो कि इतनी यहाँ पे इस वक्त कवरेज कर रहे हैं और लोगों को आपको आपको गाइडलाइन दे दी है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। इसके बाद कहाँ का प्रोग्राम है? इसके बाद इंशाल्लाह हम हुंजा जा रहे हैं। अच्छा, और खुंजराब टॉप जाएंगे? जी खुंजराब। उसके बाद प्रोग्राम तो नहीं आपका संतूर टॉप? नहीं नहीं, बस यहाँ से अशतोर वैली रुकेंगे, फिर आगे हुंजा जाएंगे। ठीक है, फिर मेडो का भी कोई प्रोग्राम नहीं है? नहीं जी। बार के आपको मजीद वीडियो भी इससे मिलेंगे। शुक्रिया आपका, आपको मैं बल्कि शुक्र गुजार हूँ आपकी कि आप इसको कवर कर रहे हैं और इधर इतनी अकेला इधर सुनसान सी जगह पे, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू और पाकिस्तान। देखिए अगर ये जगह अगर खूबसूरत है तो खूबसूरत लोग इस जगह को खूबसूरत मजीद बना सकते हैं। आपने खूबसूरत बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, खूबसूरत जूस है इसमें, इसमें तो जूस ही है, जूस ही जूस है। देवसई का ये तारीखी पुल जो देवसई का शनाख्त रखता है बर्बाद हाल पड़ा है, पिछले साल भी मैंने रिपोर्टिंग की थी। बार के ये पानी भी अस्करदू को जाना चाहिए जो बदकिस्मती से इंडिया की तरफ जा रहा है। मुझे बिलखसूस बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है कि ये पानी क्यों जा रहा है इंडिया को, हालांकि अस्करदू में पीने के हवाले से अपर अस्करदू में पानी का फुकदान मौजूद है, लेकिन ये पानी इंडिया की तरफ जा रहा है जो कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर 100 फुट कटाई की जाए तो ये पानी अपर अस्करदू को बआसानी जा सकता है। देवसई से रिपोर्ट कर रहे हैं शौकत अली शाह। खूबसूरत रेवर्ड रमा झील की तरफ बढ़ रहे हैं। डायरेक्टर साहब सुबह गिलगित बल्तिस्तान।
डिजिटल टूरिज्म टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और इस वीडियो से आपको इंशाल्लाह इनके यूट्यूब चैनल से बहुत सारी गाइडलाइंस मिलेगी, आपको आपके टूर में इनकी वीडियो देख के टूर पर जाने में आसानी होगी बहुत ज्यादा। डिजिटल टूरिज्म टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।